हमारी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अमर हो, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमारी इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर रहने वाले किसी भी इंसान की कभी मृत्यु नहीं होती, इस जगह रहने वाले हजारों साल पहले भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। हम बात कर रहे हैं हिमालय के ऊपर 2400 किलोमीटर में फैले एक ऐसे शहर की जिसका जिक्र हिंदू धर्म के अलावा तिब्बती, बौद्ध और कई धर्मों की अन्य प्राचीन धार्मिक किताबों में भी मिलता है। यहाँ के लोग अमर हैं। जी हाँ, वेदों, पुराणों और कई उपन्यासों में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि हिमालय में एक जगह ऐसी है जहाँ रहने वाले लोग अमर होते हैं। हिमालय के ऊपर बसे इस शहर को लोग ज्ञान गंज, सांभल या सिद्धाश्रम के नाम से भी जानते हैं और इस रहस्यमयी शहर में रहने वाले निवासियों की उम्र नहीं बढ़ती है और मान्यताओं के अनुसार समय समय पर इस दुनिया से लोग इंसानी दुनिया में भी आते हैं। कलयुग के अवतार भगवान कल्कि देव के भविष्यवाणी में भी इस शहर का जिक्र किया गया है। ऐसा माना जाता है कि कल्कि देव के गुरु इसी शहर में रहते हैं और यहीं रहकर वो उनके जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ केवल वो लोग ही पहुँच सकते हैं जिन्होंने योग और अन्य सभी धार्मिक कर्म कांड करके अपनी सभी इंद्रियों को जागृत कर लिया हो। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस शहर को ढूंढ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैपिंग टैग और नेविगेशन सिस्टम की मदद से भी इस जगह को आज तक ट्रेस कर पाना संभव नहीं हो सका है। आपने द मम्मी का तीसरा भाग तो देखा ही होगा जहां इस जगह को दिखाया गया है। उस फिल्म में इसे शांग्री-ला नाम से संबोधित किया गया है। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिस्ट जाने का प्रयास करते हैं लेकिन इसका रास्ता किसी को समझ में नहीं आता। ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए ये कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो ही जाती है अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहें और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जिंदा रह सकता है। न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं इंसान ऐसा नहीं कर सकता। लोगों का ऐसा मानना है कि ये जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक वही पहुँच पाएगा जो किसी तरह से खुद को यहाँ के लायक बना सकेगा। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। बौद्धों का मानना है कि शंभाला दुनिया की गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करती है। इस पौराणिक भूमि तक पहुंचने के निर्देश कुछ पुराने बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी दिए गए हैं। हालांकि निर्देश अच्छे से स्पष्ट नहीं है। बौद्ध भी मानते हैं कि ज्ञानगंज मृत्यु के नियमों की अवहेलना करता है। इस अमर भूमि में किसी की मृत्यु नहीं होती और चेतना सदैव जीवित रहती है। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस जगह को लेकर तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दुनिया में अराजकता की जब अति हो जाएगी तब इस विशेष भूमि के 25वें शासक पृथ्वी को बेहतर युग के लिए मार्गदर्शन करते दिखाई देंगे। इस शहर के बारे में कई लोग तो ये भी मानते हैं कि इस घाटी का संबंध सीधे दूसरे लोक से है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश भी की है लेकिन वो नाकाम रहे। इस सिद्धाश्रम या मठ का जिक्र महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी है। आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है। कहा जाता है कि इस जगह सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से ध्यान करते हुए देखे जा सकते हैं। शांग्री-ला एक तिब्बती शब्द है जो कि शेंग माउंटेन पास से मिलता जुलता है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये जगह कुनलुन शेंग माउंटेन की घाटियों में कहीं स्थित है। कैलाश मान सरोवर की जड़ में ही शांग्री-ला घाटी यानी ज्ञानगंज की अनुमानित स्थिति मानी जाती है लेकिन चौथे आयाम में होने की वजह से ये आम लोगों की निगाहों से परे माना जाता है। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जेम्स हिल्टन की लिखी किताब लॉस्ट होराइजन द लेजेंड ऑफ शांग्री-ला इसी रहस्यमयी शहर ज्ञानगंज मठ पर आधारित है।
ज्ञानगंज मठ 2400 किलोमीटर में फैली एक ऐसी घाटी है जिसका तिब्बत और अरुणाचल के बीच होने का दावा किया गया है, पर आज तक यहाँ कोई भी पहुँचने का रास्ता या तरीका नहीं खोज सका। अगर हिंदू वेद पुराणों की बात करें तो हिमालय के रहस्यमयी शहर का जिक्र रामायण में भी मिलता है, परंतु उससे भी पहले यानी सतयुग में भी इस जगह का जिक्र एक बार मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उससे अनेकों जड़ी बूटियां और अमृत के साथ संजीवनी बूटी भी निकली थी, जिसे हिमालय में एक गुप्त जगह पर रखा गया था। ये वही ज्ञानगंज मठ था जहाँ संजीवनी बूटी को रखा गया था। रामायण के अनुसार विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों के साथ अष्ट सिद्धियों और नव निधियों की जानकारी के लिए इसी जगह ले गए थे, जिसे सिद्धाश्रम कहा जाता था। इस जगह का जिक्र रामायण में एक और बार तब मिलता है जब लक्ष्मण जी को मेघनाद की प्राण घातिनी बर्छी लग जाती है और वो मूर्छित हो जाते हैं। तब हनुमान जी उन्हें लंका से उठा ले जाते हैं और तब वैद सुषेण ने हनुमान जी को संक्षेप में इस जगह का विवरण बताते हुए बताया था। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रकाशमान होना। एक दिव्य ज्योति उनमें जलती रहती है। यह दिव्य औषधियाँ समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। उनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने उन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। हिमालय में एक गुप्त जगह पर संजीवनी बूटी मौजूद है जिसका संरक्षण देवताओं द्वारा किया जाता है। उस बूटी से मरते शरीर में भी जान डाली जा सकती है। डॉक्टर लुइसिन ने शंभाला के बारे में खोज करते हुए कहा है कि उस जगह पर आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना नामुमकिन है क्योंकि वहाँ के वासी हमसे अत्यधिक उन्नत और आधुनिक है। और उन्होंने आगे कहा कि ये जगह पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग है। यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना की जानकारी क्षणों में लगा सकते हैं। हेलेना ब्लावस्की ने अपनी किताब द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में बताया है कि उन्होंने 20 से 25 फीट के जीवों को देखा है। इस शहर के बारे में कई लोग तो ये भी मानते हैं कि इस घाटी का संबंध सीधे दूसरे लोक से है। हिटलर ने भी इस जगह की खोज के लिए 1930 में हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों में अपने सैनिकों को भेजा था, पर हिटलर इसमें पूरी तरह से असफल रहा। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक भी इस जगह को लेकर ये मानते हैं कि यहाँ पर अजीब सी रेडिएशंस मौजूद हैं। वेल दोस्तों, आपका इस जगह को लेकर क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब दीजिए अपनी दोस्त नेहा आगरकर को आज्ञा। नमस्कार।